और आज लखनऊ के बापू भवन सचिवालय में जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश के समाज कल्याण विभाग और संबंधित विभागों के साथ जनजाति समुदायों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। जनजाति समुदाय के स्वास्थ्य में कैसे बेहतर सुधार हो और उनकी जीवन शैली बेहतर हो, इसके लिए विशेषज्ञों से चर्चा की गई। जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार की अपर सचिव आर जया ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जनजाति समुदाय के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इस पर बैठक में चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम ने कहा कि प्रदेश में जनजाति समुदाय के कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। कि आज का बैठक जो है जनजातीय आबादी में जो है कई ट्राइबल प्रॉब्लम्स, कई हेल्थ प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, और उसके बारे में आज डिस्कशन में कई चीज़ें उभर के आई कि क्या इश्यूज हैं, किस तरह से जो है उन पे हम लोग कुछ आइडियाज़ अमल कर सकते हैं, क्या आइडियाज़ हो सकते हैं। तो ये एक बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रहा है। तो कुछ सजेशंस आए हैं, उसको आगे कैसे बढ़ा पाएंगे इस पे जो है हम मंत्रणा करेंगे। कोशिश ये है कि जो बहुत ही दूरस्थ एरियाज हैं, जंगलों में रहते हैं हैबिटेशन से ट्राइबल्स की, उनको हेल्थ एक्सेस है कि नहीं हेल्थ फैसिलिटीज़ की, और अगर नहीं है तो उस क्रिटिकल गैप को कैसे फुलफिल किया जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट के कई जिम्मेदार अधिकारी आए थे और कुछ ऐसे डॉक्टर्स को भी हम लोगों ने बुलाया था जिन्होंने ट्राइबल हेल्थ पर रिसर्च किया है और उनके पास गैप एनालिसिस एग्जिस्ट करता है, तो वो प्रेजेंटेशन हुए। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास अपनी परियोजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके, उसका लाभ हम उत्तर प्रदेश को दे सकें, और हेल्थ डिपार्टमेंट को जहां अपनी सर्विसेज को थोड़ा और स्ट्रीमलाइन करना है वो उधर भी उनका ध्यान हम आकर्षित कर सकें।